हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बुक ऑफ हीरोज और बुक ऑफ बिल्डिंग यूज़ करके दिखाऊंगा और वो कब आप यूज़ कर सकते हो वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे क्लैन केसर में बुक ऑफ बिल्डिंग एंड बुक ऑफ हीरोज अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो दोनों बुक्स है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे ये वर्क करती है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी 32 की क्वीन है और वो लेवल 33 के लिए अपग्रेड हो सकती है। उतना डार्क एलिक्सर मैंने कलेक्ट करके रखा है 1,47,000 और ये अपग्रेड होने में 7 डेज लेगी। तो अब 7 डेज तक अगर मैं अपग्रेड करता हूँ तो मैं इस क्वीन को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप एक वॉर लवर हो या फिर आप चाहते हो कि आपका हीरो हमेशा आपको अटैक में यूज़ हो, तो आप ये बुक ऑफ हीरोज़ यूज़ करके अपने हीरो को अपग्रेड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वो करना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने क्वीन जो है उसको अपग्रेड में रख देता हूँ तो ये 7 डेज के लिए अपग्रेड में चली गई, देख सकते हो यहाँ पर। और जस्ट एक ही सेकंड में अपग्रेड कर दूंगा ये बुक ऑफ हीरो की हेल्प से। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 1 फिनिश नाउ पे क्लिक करता हूँ, डू यू वांट टू फिनिश द अपग्रेड ऑफ आर्चर क्वीन, तो 1 बुक ऑफ हीरो से मैं ये अपग्रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने क्लिक किया और ये मेरी क्वीन 33 की हो चुकी है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, जो बुक ऑफ हीरोज है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप क्लैन रिवॉर्ड्स में आपको मिलता है ऑप्शन तो आप ज़रूर से उसे सिलेक्ट करिए ताकि आप हमेशा वॉर खेल सकते हो और आप अपने हीरोज़ को भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ आप बुक ऑफ बिल्डिंग कैसे यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्पेल फैक्ट्री अपग्रेड नहीं की, तो अब मैं ये स्पेल फैक्ट्री अपग्रेड करूँगा। 6 डेज के लिए अपग्रेड टाइम लेता है लेकिन ये भी 1 सेकेंड में अपग्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया अपग्रेड और फिर से 1 बुक ऑफ बिल्डिंग और ये हो गया। तो यहाँ पर हमारी स्पेल फैक्ट्री लेवल 5 की हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर 5 स्पेल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये दोनों ही बुक्स, मैंने आपको यहाँ पर यूज़ करके बताई। देख सकते हो अब मेरे पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। तो ये बुक बहुत ही रेयर है, अगर आपको रिवॉर्ड्स में मिलता है तो ज़रूर से क्लैन गेम्स कंप्लीट करके इस रिवॉर्ड को चूज़ करना और आप इस तरीके से दोनों बुक्स को यूज़ करके एन्जॉय कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे न्यू आए हो और पूरा वीडियो भी देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए लाइव स्ट्रीम और वीडियोज़ के लिए। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप क्लैशिंग।